मामाश्री, आदि की उपस्थिति में भी यदि माँ और पिताश्री आपस में भेंट करते हैं तब भी समस्या का निदान संभव नहीं, क्योंकि तब भी पिताश्री ये नहीं बता सकते कि उन्हें वास्तविक आदि का ज्ञान है, क्योंकि वो ब्रह्मदेव के वरदान का तिरस्कार नहीं करेंगे। तो अब क्या मार्ग है मामाश्री? इसका उत्तर तो केवल महादेव के पास है। कौन हो तुम? अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आओ, सत्य कहोगी और यहां आने का अपना वास्तविक उद्देश्य बताओगी तो हम तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस के लिए क्षमा भी कर देंगे। दूसरों को अपने भ्रम जाल में फंसाने वाले स्वयं उसी जाल में फंस जाता है। यही सीख मैंने अपने पुत्र अंधक को देने का प्रयास किया था, किंतु खेद है कि उसने अपनी वास्तविकता को जानने में बहुत विलंब कर दिया। किंतु मैं यहां अपनी वास्तविकता सिद्ध करने नहीं आई, मैं यहां आई हूं अपने अर्धांग के लिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो स्वयं सत्य का आभास कर लेंगे। और रहा प्रश्न मेरे सत्य का, तो मेरे जीवन का तो केवल एक ही सत्य है और वो मेरे समक्ष है। सत्य और असत्य पे उपदेश देना तो मेरे लिए भी सरल था देव, किंतु मुझे ज्ञात है कि आप तक पहुंचने के लिए मुझे शब्दों की आवश्यकता नहीं। निर्णय अब आपका है देव। मैं भली भांति जानता हूं कि तुम दोनों में से पार्वती कौन है और आदि कौन। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मुझे ज्ञात कि वास्तविकता में मेरी गौरी कौन है।
शिव और शक्ति का बंधन इस संसार के दो अटूट आधार स्तंभ, और ये स्तंभ इतने दुर्बल नहीं कि मात्र एक छलावे से टूट जाएं। तुमने अपने जिस पिता के लिए शिव और शक्ति का अपमान किया, अपने उस पिता के अंतिम क्षणों को देखो। तुम आजीवन सत्य के प्रकाश से पलायन करते रहे अंधक, किंतु अब तुम्हारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महादेव, मुझे मुक्ति प्रदान कर। मुझे विश्वास था देव कि आपके रहते शिव और शक्ति के इस पवित्र बंधन को कोई खंडित नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मुझे वचन जो दिया था। निश्चिंत रहो गौरी, जब तुम पुनः कैलाश लौटोगी तो सब कुछ यथावत कुशल पाओगी, ये मेरा तुमसे वचन। तुम मेरी अर्धांगनी हो गौरी, इसलिए नहीं कि तुमने मुझसे विवाह किया है, अभी तो इसलिए क्योंकि तुम मेरी पूरक हो, तुम मेरे अस्तित्व को पूर्ण करती हो, और जो पूरक हो वो किसी भी परिस्थिति में अपनी नियति को प्राप्त कर ही लेता है। जब मैं वैरागी था तो वर्षों तक साधना में लीन रहता था, क्योंकि मेरे अस्तित्व का आधा भाग मुझसे दूर था, और फिर वो मुझे सती के रूप में प्राप्त हुआ, और सती के जाने के पश्चात वो भाग मुझसे पुनः छिन गया। फिर तुम मुझे मिली पार्वती के रूप में। हम दोनों का संबंध किसी भी दृष्टि या धारणा से परे है गौरी, हमारा संबंध तो काल से भी परे, इसीलिए संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हम दोनों को पृथक कर सके। आभास था ना पुत्र। माँ, जिस क्षण मैंने आदि का हाथ थामा था उसी क्षण मुझे आभास हो गया कि वो मेरी माँ नहीं। आओ पुत्र, मैं भी उसके छल में फंसने का स्वंग रचता रहा, क्योंकि उसे पिताश्री से रोकने का ये एक ही मार्ग शेष था। आज संसार ने शिव और शक्ति की एक और लीला को प्रत्यक्ष देखा कि किस प्रकार शिव पार्वती की एकजुटता संसार की प्रत्येक दृष्टि और भ्रम से श्रेष्ठ है। ब्रह्मांड में चाहे जितने परिवर्तन हो, शिव पार्वती का बंधन अपरिहार्य रहेगा।